बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ ट्रिपलेट्स। तो जी अभी का सीन ये है, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग गाइस। तो जी क्या हाल चाल है सबके, ठीक है? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ आप जा रहे हैं हंसते और मुस्कुराते रहें, अल्लाह आपको ऐसे खुश और आबाद रखे और आप ऐसे ही, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आप सबको दे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो अभी का सीन यह है कि उठ चुके थे और नाश्ता वगैरह कर लिया और आज सुबह सुबह ही हम निकलने लगे हैं कहाँ पर बोला, पूरा लाहौर विज़िट करने के लिए। तो आज आप लोगों को व्लॉग में पूरा लाहौर विज़िट करवाएंगे। ये मेरे ख्याल में तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा क्योंकि आज हमने जाना है ना। तो देखते हैं हम लोग आपको ये सारी जो चीज़ें हैं अभी हम आज करेंगे कितने दिन में दिखा सकते हैं, ठीक है? तो और ये पार्ट्स की शक्ल में शायद आएंगे और अगर एक व्लॉग बन गया तो एक ही व्लॉग आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल निकलते हैं, आपको पूरा विज़िट भी करवाएंगे क्या कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग, ये तो अभी आपको आगे व्लॉग्स में पता चलेगा और आज वाले व्लॉग में भी आपको पता चल जाएगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलें अभी निकलते हैं, देर हो रही है वरना फिर वहाँ ना रश हो जाता है जहाँ जा रहे हैं ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर व्लॉग, हर शॉर्ट्स, हर लाइव, हर कम्युनिटी पोस्ट की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह हमारे व्लॉग्स इन्जॉय करते रहें और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी वीडियो देख सकें और हमारे ऐसे ही जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ सकें और मेरा ऐसे ही मेरा भी ऐसे ही दिल करे कि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट निकाल सकूँ और आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो बस अभी निकलते हैं। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई मिलने तो आओ यार, मेरे लोगों को कोई सब्सक्राइबर ही मिल जाएगा लेकिन कोई नहीं मिला, कोई नहीं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं आप स्पीडो का। आज आपको स्पीडो की भी सैर करवाएंगे और इन लाइन की शायद करवा दें और स्पीडो का वेट हो रहा है यहाँ पर, ये देखें यहाँ से आएगी स्पीडो और इंतजार बैठे हैं। तो अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग, अभी आती है स्पीडो, फिर आपको स्पीडो का भी नज़ारे कराएंगे। तो ये देखिए जी बस आ गई है। तो जी ये देखिए हम लोग सबसे पहले पहुंच चुके हैं अस्ताना आलिया सिफी सुल्तान शहनशाह हज़रत अज़ीज़ुलद्दीन और चिराग औलिया अलमरूफ पीर मक्की के दरबार पे। तो कहा जाता है कि ये जो हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो थे ये पीर मुर्शद थे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए हैं और आना भी यहीं पे चाहिए क्योंकि ये उनके पीर मुर्शद थे और इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आए हैं। तो एंटर होते ही यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं छोटा सा बाज़ार है जहाँ पर फूल चादरें और जो तबर्रुक होता है वो पड़ा है और अभी आगे आगे जाएंगे और आगे आगे देखते हैं कि आगे क्या पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, यहाँ से आप बिस्किट ले लें या कोई भी तबर्रुक जो होता है ना तो जो मर्जी ले लें, फिर आगे से हम लोगों ने भी यहाँ से फूल लेने हैं अभी। तो ये देखें कि अंदर के मनाजिर हैं, ये हम अंदर आ गए हैं और ये है जी मेन दरबार जहाँ पर सलाम करना है, सलाम करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे बस सलाम वगैरह करता हूँ और फातिहा वगैरह पढ़ के फिर आपसे मिलता हूँ।
और ये देखिए जी, यहाँ पे एक बाजार है छोटा सा, जहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह टॉयज और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो अब यहाँ पे फरमीन फरीन तो चली गई हैं शॉपिंग के लिए, देखने के लिए। फरमीन को ना एक्चुअली में नज़र आ गई थी चेन और छल्ले वगैरह, तो ये तो जहाँ पे देख लेना वहीं पे फिर ही जाती है कि बस लेना ही लेना है ये तो। अब ये देखें कितनी प्यारी प्यारी चेन है यहाँ पर, और चूड़ियाँ और खिलौने चेक करें यहाँ पर। देखें फरमीन को यहाँ पे वो छलों का पूछ रही है और चेन्स का, इसको इतनी पसंद है चीज़ें पता नहीं क्यों, ये तो मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ पर ये छले ट्राई भी कर रहे हैं पहन के, और अब आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर। यहाँ पर चूड़ियाँ और यहाँ पर ये जो होते हैं नगों वाले छले वो हैं। तो यहाँ से अभी देखते हैं क्या हमें ख़रीदना है, हम वो ख़रीदेंगे। और यहाँ पर कड़े वगैरह चेन वगैरह खिलौने इतना कुछ पड़ा हुआ था ना, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखें यहाँ पर बर्तन भी हैं थोड़े बहुत। तो जो अभी आपको मैंने अभी बर्तन दिखाए थे ना, प्यालियाँ सी प्याले, तो उनके ऊपर कुछ सूरतें वगैरह लिखी हुई थी, जैसा कि सूरह यासीन और भी बहुत सारी सूरतें थी। तो ये होती हैं कि ना शिफा के लिए। तो जी ये दो चेन्स ली हैं, ये वाली मेरी और ये वाली फरमीन की, ठीक है। पर इनको चेन्स पसंद ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद इस तरह की। तो अभी आगे जाके देखते हैं आगे जाके क्या चल रहा है। और कितने पुराने पुराने ना गा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कंकल बैठे, यहाँ पर कप हैं सारे, क्रॉकरी स्टोर। और यहाँ पर देखें भोला मिल्क शॉप है, यहाँ की लस्सी बड़ी फेमस है। और ये देखें खिड़कियाँ टूटी हुई हैं सारी, यहाँ पे कोई रहता भी होगा, घर देखें ज़रा। अच्छा जी यहाँ पे कोई रहता ही होगा वैसे। हेलो, और इंटो वाले घर हैं यहाँ पे तो अभी तक, पुरानी बिल्डिंग है ना इसलिए पुरानी ज़माने की। तो अभी इधर आए हैं तो ताकि हमें भी पता चले कि ओल्ड लाहौर कैसा होता था। ये देखें यहाँ पर बस बिल्डिंग भी देखी जाए आप लोग तो, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है ना, कोई नहीं मज़ा आ रहा है वैसे। ये मस्जिद बहुत पुरानी है मस्जिद, ये पता नहीं कितने साल पुरानी होगी, मगर माशाल्लाह प्यारी लग रही है। वो देखें ऊपर, और यहाँ पर आ गई थी ये शॉप, ग्राइंडर वगैरह जो पड़ी हैं यहाँ पर, थोड़ी इलेक्ट्रिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये वाली शॉप जो है सुबह के टाइम आए हैं इसलिए थोड़ी बंद है। ये वाली शॉप अभी सारी बंद है, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी गिफ्ट सेंटर भी आया यहाँ पे। तो आज तो हम लोग जुम्मे वाले दिन आए हैं, अगर जुम्मे रात को आए ना थर्सडे वाले दिन, तो यहाँ पर इतना रश होता है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं इतने, और यहाँ पर इतना रश होता है यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता बस। तो इसलिए हम लोग जुम्मे रात को नहीं आए, जुम्मे को आए हैं ताकि रश में तो ना जाएं हम लोग, वरना रश में वीडियो भी नहीं बननी थी। और ये भाई बिल्डिंग देखिए कितनी पुरानी लग रही है, पता नहीं कितने 100 साल पुरानी होगी। और यहाँ पर गली देखें कितनी तंग गली है, और बिल्डिंग यहाँ पर कौन सा बादशाह रहता होगा यार, यही तो नहीं ना पता कौन सा बादशाह रहता। आलमगीर रहता होगा, आलमगीर बादशाह मस्जिद में रहता था अपने। नहीं ये कायदे आजम का घर है। वाह वाह।
वहाँ कायदे आजम का कायदे नहीं है, रहते रहने के लिए इसके कायदे आजम यहाँ रहते थे। ठीक है तो ये देखें यहाँ पे गली में आ गए अंदर रश। यहाँ पर आप गली देखी थी तंग सी है मगर अच्छी बनी हुई है, ईंटों वाली गली लगता है। ये देखें यहाँ पे चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, रंग बिरंगी। और यहाँ पर चूड़ियों का स्टॉल लगे हुए हैं इतने सारे, चूड़ियाँ चूड़ियाँ यहाँ पर बन रही हैं, चूड़ियाँ अंदर बन रही, उधर भी बनती हैं। और यहाँ पर इतर सुरमे आप गलियों में आ जाए आपको हर चीज़ मिलेगी यहीं पर, वो सुरमे पड़े हैं इतर पड़े हैं। और यहाँ पर एक और दरबार है पढ़ लें कहीं का दरबार है। और ये देखें छोटी छोटी कपड़े सारी ये बनाते हैं, ये देखें दरबार ये है मेन दरबार, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी अंदर भी जा रहा हूँ, बस फूल वगैरह जो लाए हैं ना वो डालेंगे के मामा के पास। ये देखें दरबार में आ गए हैं, शाम भी कर लिया है। सलाम तो ये देखे जी, ये था पूरा दरबार नौशो पाक। यहाँ पर भी काफ़ी सारी कब्रें थी औलिया कराम और बहुत सारे मतलब के जो थे उन सब की यहाँ पे कब्रें थी। यहाँ पे सबको सलाम वगैरह काट लिया और फातिया वगैरह काट लिया। आप ये वाला बस दरख्त देखें, मैं ऊपर करता जाऊँगा, कितना बड़ा दरख्त है ये माशाल्लाह, कितने सौ साल पुराना होगा, कितने सौ साल, कितने सौ साल ऊपर तक ये देखें है। और ये एक यहाँ से ऐसे निकल रही है और ऐसे निकल रही है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितना को पुराना आपको लगता है दरख्त। मुझे लगता है 200-300 साल तो पुराना है, कितना होगा तकरीबन। यहाँ पर सारे जूते कंप्रेसर वगैरह अंदर बाल वगैरह से फारिग हो गए थे। और सामने आ गया दाता साहब, दाता साहब जा रहे हैं अब सारे दरबार फिरने आज। ये देखिए यहाँ सारे कंप्रेसर वगैरह जो है ना वो पड़े हैं। और यहाँ से आगे दाता साहब शुरू हो गया, ऐसा क्या लोग देख रहे हैं दाता साहब। अब अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप घर तो पहले ही आपको देख रहे हैं देखे। जगह ही बड़ी हुई है। और ये आगे जी दाता साहब, अंदर चलते हैं दाता साहब, अंदर सलाम वगैरह करते हैं आप जाके। तो ये देखें जी दाता साहब आ गए हूँ यहाँ पर अंदर सलाम वगैरह करने के लिए। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं सलाम वगैरह करते हैं। ये देखें आ गया हूँ अंदर, सामने है दाता साहब गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। माशाल्लाह कितने हैं यहाँ पे लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मैं सलाम करके ना फिर आपको मिलता हूँ। ये देखें जी यहाँ पे रश, Thank you.
से आरती हुई। आस्ताना बट रहा है मुहम्मद का सदका, मैंने दामन फैलाना तो ठीक हो, मैंने दामन फैलाना। माशाल्लाह जी अभी यहाँ से फारिग हो गए, इस्लाम वगैरह कर लिया है डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। तो अभी बाहर जा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं अभी अंदर अकेले ही आया था, मामा और फरमीना ट्रेन तो बाहर ही हैं, यहाँ पर सिर्फ जेंट्स का था यहाँ से एंट्री, तो सिर्फ मैं अकेला आया, अभी बाहर चलता हूँ, मेरी बात करूँ बाहर चलता हूँ। ये देखें बाहर आ गया हूँ अभी, और ये एग्जिट का गेट, यहाँ से बाहर जाऊँगा। और माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा बना हुआ, सुकून मिलता है यहाँ पे आके तो माशाल्लाह से। तो चलें अभी बाहर चलते हैं। तो क्या पुलिस वाले के साथ लोग ओहो वेरी वेरी मुझे किंदा तो मिली है, मगर मुझे मिल नहीं मिला। मुजम्मिल इधर खड़ा नहीं, तुम्हें कौन सा मुजम्मिल चाहिए? ये मम्मा मैंने ये देखी थी, एक और वन स्मॉल फनी, हाय फनी, खेता इतनी सारी फनी खड़ी है यहाँ, क्या करें हर जगह पर हम मशहूर ही इतने देख रही है। ये देखें यहाँ पे शॉप है, और ये यहाँ सामने जाता है later. तो अभी का सीन यह है कि फाइनली घर आ चुके हैं, और ये आपको अब आगे आगे ब्लॉग्स में पता चलेगा। मैंने अभी एडिटिंग करने बैठने लगा था, तो मैंने क्लिप्स देखे हैं, इतने सारे क्लिप्स हैं, तो अभी इन क्लिप्स को हम डिवाइड कर देंगे, और अब इसके आएंगे पार्ट्स, ठीक है। तो अब आप लोग अपने पार्ट्स इंजॉय करें, और आज के ब्लॉग में जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम गए वैसे दरबार, दाता दरबार, उसके बाद पीर मक्की। तो बस जी अभी फारिग होके आ गए हैं, और आज के लोग के लिए इतने रखते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर शॉर्ट्स, हर ब्लॉग, हर लाइव, हर कम्युनिटी पोस्ट की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप इसी तरह हमें प्यार दिखाते रहें, वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमें देख सकें और वो सब्सक्राइब कर दें, उनको भी कहें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और अच्छा सा कमेंट लिख दें नीचे कमेंट बॉक्स में, और जल्दी जल्दी बता दें आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। अभी बड़ी नींद आ रही है, बस अभी सोने लगूँ, सुबह उठ के एडिटिंग करेंगे। तो मिलता हूँ कल आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मज़ेदार, वेरी इंजॉयमेंट, वेरी 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 मज़ेदार से ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।